क्या आपको गॉल ब्लैडर में पॉलिप डिटेक्ट हुआ है तो फिर ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, पुणे में ओएसएस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले ट्यूमर्स, कैंसर्स एंड अदर डिसीज कंडीशन और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो है गॉल ब्लैडर पॉलिप्स। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तो आपने सुना होगा, ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरल सर्जन या गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट के पास में लोग दिखाने के लिए जाते हैं। बट गॉल ब्लैडर में पॉलिप ये एक अलग बीमारी है। और गॉल ब्लैडर में जब पॉलिप डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले पेशेंट का रिएक्शन एक फियर, डर और एंग्जाइटी का होता है, क्योंकि पॉलिप वर्ड सुन के कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल चलने लगता है, क्या ये कैंसर है और क्या ये सीरियस है। तो आज के वीडियो में हम इस इशू को एड्रेस करेंगे कि गॉल ब्लैडर पॉलिप ये होता कैसे है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये कैंसर है और क्या ये सीरियस या जानलेवा हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिप क्या होता है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर का जो अंदरूनी लाइनिंग होता है, जिसे हम म्यूकोजा के नाम से जानते हैं, तो कभी कभी कोई रीजंस की वजह से इन म्यूकोजा के जो सेल्स होते हैं ये अपने आप डिवाइड होके एक छोटा सा प्रोट्रूजन यानी कि एक छोटा सा प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसे हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। ये एक कैंसर नहीं है, इट्स नॉट अ कैंसर, इट्स अ बिनाइन कंडीशन। और 90-95% ऑफ गॉल ब्लैडर पॉलिप्स में कैंसर का कोई खतरा नहीं होता है। सो ज्यादातर लोग जिनको गॉल ब्लैडर पॉलिप हुआ है, दे आर नॉट हैविंग एनी रिस्क फॉर कैंसर। तो ये डिटेक्ट कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ज्यादातर लोगों को गॉल ब्लैडर पॉलिप्स की वजह से कोई सिम्टम नहीं होता है, और ये पॉलिप तब डिटेक्ट होता है जब हम किसी और रीजन की वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं। यानी कि मैक्सिमम पेशेंट में ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, जिसका अपने आप में कोई सिम्टम नहीं होता है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है या इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, छोड़ दिया जा सकता है? तो इसका आंसर दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइज। तो दोस्तों, अगर गॉल ब्लैडर का पॉलिप ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, यानी कि 10 मिलीमीटर से ज्यादा अगर इसका साइज है, तो इसकी सर्जरी करना गाइडलाइन के हिसाब से जरूरी है। और ये सर्जरी सेम है जो हम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के लिए करते हैं, यानी कि दूरबीन से, यानी कि लेप्रोस्कोपी से या फिर रोबोटिक सर्जरी से गॉल ब्लैडर को पॉलिप के साथ रिमूव करना। दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट। अगर पॉलिप इससे छोटा है, यानी कि 5-9 मिलीमीटर का अगर पॉलिप है, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है? तो इसका आंसर दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, अगर पेशेंट का एज 50 साल से ज्यादा हो तब, या फिर हमारे इंडियन एथनिसिटी यानी कि इंडियन पेशेंट हो तब। नंबर थ्री, अगर ये पॉलिप गॉल ब्लैडर की वॉल से ज्यादा चिपका है, जिसे हम सेसाइल पॉलिप के नाम से जानते हैं, तब इसकी ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है। अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं है तो इस पॉलिप को ऑब्जर्व किया जा सकता है 3 महीने या 6 महीने के इंटरवल पे। सोनोग्राफी करके हम इसको, इसके प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर इसका साइज बढ़ता है 2-3 अल्ट्रासाउंड के ऊपर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तब हम उस टाइम पे इसकी सर्जरी कर सकते हैं। और अगर पॉलिप 5 मिलीमीटर से भी छोटा है, तब तो इसका रिस्क बहुत ही कम होता है। इसे एवरी 6 मंथली सोनोग्राफी करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर पॉलिप की संख्या 3 या 4 पॉलिप से ज्यादा है, तब भी इसे ऑब्जर्व करना जरूरी है। इसमें दो चीजों का मैं ख्याल आपको देना चाहूंगा। नंबर वन, कभी कभी पॉलिप के साथ साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी पाए जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब पेशेंट को स्टोन्स की वजह से सिम्टम हो रहे हैं, तो इसकी सर्जरी करना जरूरी है, और इसी सर्जरी के दौरान हम पॉलिप का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी हम पॉलिप के लिए जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तब
असल में पता चलता है कि ये पॉलिप ना होके कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स हैं, सॉफ्ट स्टोन्स, जो गॉल ब्लैडर के वॉल में चिपके हुए हैं, और इसे रिपोर्ट में पॉलिप कहा गया है। तो दरअसल ये पॉलिप था ही नहीं, ये स्टोन्स थे, जो अब सर्जरी के बाद उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है। वेरी रेयर कंडीशंस में अगर पॉलिप के अंदर छोटा सा कैंसर का अगर फोकस पाया जाता है तो ज्यादातर केसेस में इसकी आगे ट्रीटमेंट करना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमने पॉलिप के साथ साथ गॉल ब्लैडर में निकाल दिया है। बट कोई कोई केसेस में, आई वुड से 5-10% केसेस में दोबारा सर्जरी करके उस एरिया को अच्छे तरह से क्लीन करना पड़ सकता है। ये इसे हम रेडिकल सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पेशेंट्स की एक क्वेरी होती है, तो मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले इस क्वेरी का भी आंसर दे दिया जाए कि क्या सिर्फ पॉलिप निकाल दे तो चलेगा, गॉल ब्लैडर निकालना हर केस में जरूरी होता है या नहीं। तो द आंसर इज कि सिर्फ पॉलिप निकालना कई बार संभव नहीं होता है, हमें गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा निकालना है। द रीजन इज इसको बिना स्पिल किए या बिना कहीं किसी एरिया को कंटामिनेट किए हमें गॉल ब्लैडर और पॉलिप एक साथ निकालना पड़ता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सिर्फ पॉलिप को निकाल दें और गॉल ब्लैडर को साथ में रखें, तो इट हैज टू बी अ कंप्लीट सर्जरी। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप डायग्नोस हुआ है, अगर आपको कोई सलाह चाहिए या ओपिनियन चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप YouTube कमेंट में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे WhatsApp कर सकते हैं। और इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।